हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं अपने चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में। जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने अपडेट किया था, तो उसमें मैंने एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था जिसमें कुछ छह टाइप के हमारे ट्रांजेक्शन्स थे और मैंने आपको उसका किस तरह से एंट्री हमें सॉल्व किए जाते हैं मैंने उसकी आपको टेक्निक सिखाई थी एक सिंपल से मेथड में। अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे आज जो हमने क्वेश्चन पिक किया है उसमें थोड़ी सी और चीजें कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, तो इसी तरह से जैसे जैसे मैं न्यू क्वेश्चंस अपडेट करता जाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स न्यू ऐड होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आज का जो हमारा क्वेश्चन है मैंने लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेम पैटर्न में बता दे रहा हूं, मैं एक ही बार नोट कर दिया हूं कि बुक जो हमारी डीके को है, पेज नंबर जो आज का हमारे क्वेश्चन का है वो आपको 6.6 पर मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो बुक में आपके एक्सप्लेनेशन सब कुछ है, बट उसको हम सिंपल टेक्निक से किस तरह से समझते हैं तो वो हम यहां पर आपको कॉन्सेप्ट आज समझाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, रेगुलर हमारे आप चैनल पे आपको न्यूमेरिकल वीडियोस अपडेट मिलती रह रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मैसेज मिल जाए। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैंने ट्रांजेक्शन लिया वो सिर्फ थ्री ट्रांजेक्शन है, ए बी एंड सी। ट्रांजेक्शन तो सिर्फ थ्री है, बट ये थ्री जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रांजेक्शन को देखते चलेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो सिंपल है, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख मतलब हमने पहले कहा था, जब भी क्वेश्चन लगाइए आप तो बिजनेसमैन आप अपने आप को मानकर लगाइए। तो मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैसे 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करके। सो बिजनेस के लिए क्या होगा? कैपिटल। तो अब हम यहां पर अपने चीजों को नोट करते चले। मैंने फॉर्मेट बना दिया है, एक्सप्लेनेशन आपको पहले कर दिया था। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही टेक्निक फॉलो होनी चाहिए। इसके सारे क्लासिफिकेशन मैं पहले ही कर चुका हूं। अब यहां पर हम देखते हैं अपने वीडियो में, यहां पर क्वेश्चन को फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा ए नंबर ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शन में ए नंबर यहां सीरियल नंबर में मेंशन कर दिए, ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैं ट्रांजेक्शन का कॉलम बहुत ही माइक्रो ले रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि स्पेस कम है। जब आप कॉपी में बनाएंगे लेकिन आपको ट्रांजेक्शन पूरा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है, स्पेस कम होगा आपके कॉपी में। नीचे भी आप लाइन एड कर सकते हैं, 2-3 लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सबसे पहली चीज क्या आ रही है हमारे बिजनेस में? कैश। और ये कैश किस फॉर्म में है? कैपिटल के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। तो यहां पर हमने ऐड कर दिया कैश, ठीक है, और कैपिटल तो ऑलरेडी ही कैपिटल के नाम से हमारे पास है, तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया कैपिटल। अब क्या करेंगे, कैश कितना आ रहा है 1 लाख का, तो यहां पर हम कैश के नीचे मेंशन कर देंगे 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू, के नीचे इज इक्वल टू, और लाइबिलिटी तो अभी कुछ नहीं है, प्लस कैपिटल का अमाउंट सेम हो जाएगा ये 1 लाख। हमने पहले कहा था इक्वेशन हमारा सेम होना चाहिए। सो अब यहां पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट थिंग की। तो अब क्या करेंगे, हम पूरे लाइन को क्लोज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पूरा लाइन पैक कर दिया, ठीक है। अब इसके ऐसे क्या लिखते हैं हम इक्वेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री नीचे पास करते हैं तो यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं इक्वेशन को। अब कंडीशन क्या बनेगी कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, तो अभी 1 लाख में कुछ भी चीजें प्लस नहीं हो रहा है, तो सेम एज इट इज ये भी 1 लाख यहां पर आ जाएगा और यहां पर इज इक्वल टू 0 और ये 1 लाख हो जाएगा। इक्वेशन को चेक करते चलेंगे तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, ये हमारा इक्वेशन सही चल रहा है। अब आएंगे अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे, विच इज बी नंबर पे हमारा दिया हुआ है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000, ठीक। तो हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे से यहां पर सारी चीजें यहां पर क्लियर आपको करते रहते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते चलिए, हमने परचेस किया है पहले गुड्स को, ठीक है,
जैसे ही हमने गुड्स परचेस किया है, सो परचेस किया तो कैश में भी है और क्रेडिट में भी है। तो मैंने पहले ही बताया था अकाउंटिंग साइकिल में कि हमारे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, द फर्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शन एंड द सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो परचेस हमने किया है दोनों तरह से, कैश में भी किया है और क्रेडिट पर भी किया है। तो जब भी हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो कौन पर्सन आ जाते हैं यहां पे? क्रेडिटर्स। जब भी हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो क्रेडिटर्स आ जाते हैं, और क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं? लाइबिलिटीज होते हैं। इट मींस दैट कि यहां पर देखिए एक चीज ऐड हो गया हमारे लाइबिलिटी साइड में, विच इज नोन एज क्रेडिटर्स। तो ये हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा कि अब इसके इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले देखेंगे कैश में कितने का परचेस किया हमने, 20,000। तो कैश में हमने 20,000 परचेस किया और क्रेडिट में यानी अपने क्रेडिटर को कितना पे करना है, 30,000 पे करना है। तो हमने परचेस क्या किया है, गुड्स परचेस किया। तो चाहे गुड्स लिखे या फिर हम स्टॉक लिखे, और दोनों ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो हमने स्टॉक मेंशन कर दिया। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, अपने इक्वेशन को यहां पर पोस्ट करेंगे। किस तरह से, अब देखिए क्या हो रहा है, पहले हमने ट्रांजेक्शन को नोट कर दिया, देखेंगे कि हमारे पास कैश कितना आ रहा है या फिर जा रहा है। तो हम सबसे पहले कहेंगे आप स्टॉक को देख लीजिए क्या करना है, 20,000 का कैश है और क्रेडिट में 30,000। तो अगर पूछा जाए कि चलिए बताइए टोटल आपने कितने का परचेस किया गुड्स, तो कहेंगे ना 20 + 30 = 50,000। तो ये दोनों ही तो परचेज हो गए, दोनों ही परचेज हुए, तो टोटल हमारे हो गए 50,000 के। तो यानी स्टॉक हमने एक्चुअली में परचेस कितने का किया, टोटल 50,000 का। तो ये प्लस हो गया ना, हमारे बिजनेस में आ रहा है। अब इसके वास्ते क्या होगा, क्या हो रहा है, परचेस किया तो कैश, देखिए कैश में कितने का परचेस किया, 20,000। मतलब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉकेट से कैश कितना निकल कर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 जा रहा है। तो परचेस करेंगे तो कैश आउट होगा, और कैश आउट होता है तो कैश को माइनस करते हैं, 20,000 हमने माइनस कर दिया, ये ट्रीटमेंट भी हो गया। अब बचे हमारे 30,000 की जो लाइबिलिटी है, क्योंकि हमको क्रेडिटर्स को पे करना है, तो 30,000 के हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ गए कौन, क्रेडिटर्स। तो हमने 30,000 यहां ऐड कर दिया। कैपिटल हमारे पास यहां पर नहीं होगी, तो कैपिटल हम यहां पर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल हमारे यहां पर क्वेश्चन में नहीं आया है। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं क्या होगा, तो जिस तरह से यहां पर हमने इक्वेशन निकाला है सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, यहां पर पूरा लाइन पैक करेंगे, और अब यहां पर क्या लिखते हैं, जैसा कि मैंने लेक्चर वन में बताया था, अब नोट करेंगे हम क्या, न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन में अब हम सारे इक्वेशन जो भी बॉक्स में ये फर्स्ट दिखता है उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में तो कुछ नहीं था, सेकंड में देखिए अब दो टर्म आ गए हैं। तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस होगा तो आएगा 80,000, और प्लस 0 + 50,000 करेंगे तो आएगा 50,000 इज इक्वल टू 0 + 30 करेंगे तो 30,000, और प्लस 1,00,000 + 0 करेंगे तो आएगा 1,00,000। ठीक है, ये टर्म हो गए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन हमेशा बनना चाहिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इक्वेशन चेक भी करते चलेंगे, तो 80,000 प्लस 50,000 करेंगे तो 1,30,000 इज इक्वल टू 30 प्लस 1,00,000 करेंगे तो 1,30,000। देखिए इक्वेशन इक्वल बन गया ना, यही हमें करना है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट के लिए मैंने इसीलिए बनाया ताकि हम आपको ये सारे इक्वेशंस को शो करते चलें। अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इरेज करके हम सी वाला पॉइंट आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो सी नंबर ट्रांजेक्शन है, विच इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा और चेंज हो गया, फर्स्ट वाला एकदम इजी था, सेकंड वाला उससे थोड़ा सा टफ हुआ, और थर्ड वाला अब सबसे थोड़ा सा अलग मिला। इसमें देखिए अलग से परसेंटेज दे दिया है। तो सबसे पहले हमारा वर्क होगा, हम मेंशन करेंगे सी ट्रांजेक्शन और पूरे ट्रांजेक्शन को पहले पर लिख लेंगे। ठीक, कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग जो भी है, पूरा ट्रांजेक्शन नोट हो गया। अब इसके बाद से क्या होगा हमारा स्टेप, कि हमारे इस क्वेश्चन में आया है सेल्स, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में था परचेज, तो इस क्वेश्चन में आया सेल्स। अब सेल्स में भी देखिए आपको मिल रहा है कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। ठीक, तो यानी कि यहां पर हो गया हमारे दो टर्म, फर्स्ट है कैश और सेकंड है क्रेडिट। तो जैसे ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन आया तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि अभी इसके पहले क्रेडिट परचेज हुआ था तो आया था क्रेडिटर्स, और सर आपने बताया था कि जब भी क्रेडिट सेल्स करते हैं तो कौन आते हैं, हमारे डेटर्स।
तो हम यहां पर एसेट्स में सबसे पहले आएंगे और प्लस कर देंगे यहां पे अपने डेटर्स को, ठीक है। और यहां पर जो भी टर्म अभी तक ट्रांजेक्शन में किए गए उन सब में जीरो कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो प्लस करेंगे तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये करना पड़ेगा हमें। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम अलग से चीजों को ऐड करते चलते, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो। तो ये हमने कर दिया, ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो जैसे जैसे स्टेप कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स कैश फॉर कॉस्टिंग 10,000, तो कैश में 10,000 का हो गया, एंड ऑन क्रेडिट यानी उधार हो गया 15,000। तो यहां मेंशन कर देते हैं हम कि डेटर्स के लिए किया जा रहा है 15,000, क्लियर। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब प्रॉफिट इस पे आएगा, यानी कि सेल्स जितने का हुआ इसमें प्रॉफिट हमारा प्लस हो जाएगा कितना, 20%। लेकिन करना क्या है हमें, सबसे पहले तो ये समझना है हमें कि हमने गुड्स बेचा कितने का है, सेल्स कितने का किया एक्चुअली। तो हमारे बिजनेस में स्टॉक कितने का जा रहा है, 10,000 का कैश में हमने सोल्ड कर दिया और 15,000 का हमने क्रेडिट में सोल्ड कर दिया। तो एक्चुअली में हमारे पास से स्टॉक कितने का चला गया, आउट कितने का हो गया, तो 10 + 15 = 25,000। हम यहां पर सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, सबसे पहले स्टॉक में से माइनस करिए, 25,000 स्टॉक गया हमारे पास से। ये एक स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। अब आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि इन दोनों को हमने, क्योंकि अब यहां पर हम क्यों 25,000 को माइनस किए, क्योंकि हम जब भी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस को ही माइनस करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जैसे ही हम इसमें 20% का प्रॉफिट प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हम दोनों में 20% प्लस कर देंगे, प्लस 20% दोनों इधर भी और इधर भी होंगे। तो अगर हम कहें 10,000 का 20%, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं अभी आपको एक चीज बता दे रहा हूं, क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोग हैं, ठीक है। मैं हमेशा अपने 12th के बच्चों से भी कहता हूं, क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों से स्टार्टिंग में कहता हूं, कभी भी कैलकुलेटर मत यूज करिएगा। अगर आपने कैलकुलेटर यूज किया तो जान लीजिएगा कि आपको बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उन्हीं बच्चों के क्वेश्चन छूटते हैं या न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन गलत होते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक होती है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं क्योंकि स्पीड नहीं होती है। तो आप अभी से अपने हाथ से कैलकुलेट करिएगा, जो भी डाटा हो, टाइम लगेगा अभी 5 मिनट, बाद में स्पीड आपकी तेज हो जाएगी। हम खुद नहीं यूज करेंगे आपके सामने, ठीक है, हम कैलकुलेटर ना यूज करेंगे ना आप यूज करिए, हम भी यहां पर कैलकुलेट करेंगे और आपको उसकी टेक्निक सिखाएंगे कैसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 10,000 का 20% किया, तो यानी कि तुरंत दिमाग में होना चाहिए 20/100 किया, 100 का जीरो कैंसिल हुआ इससे जीरो, और 10 कैंसिल हुआ इससे, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर 2,000। ठीक, एक बार हम दिखा देते हैं आपको, जैसे कि 10,000 हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 20/100 लिखें, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से जीरो, ये 1,000 है, 2 में मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया 2,000। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, विच इज 15,000, और 15,000 का 20% 15 × 2 = 30 मीन 3,000, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ये हो गया 3,000। ठीक है, और ये क्या है इनका, ये दोनों प्रॉफिट है, इसीलिए हमने ब्लू से इसको मेंशन कर दिया। अब हम अगर कहें कि हमारी सेलिंग प्राइस, अब जो आएगा हमारा सेलिंग प्राइस ये है, और ये दोनों जो टर्म थे हमारे, ये दोनों क्या थे हमारे, ये थे हमारे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो हमने माइनस कर दिया, एक्चुअली हमारे पास से गया। अब सेलिंग कितने की हो रही है, तो अब देखेंगे 10,000 में 2,000 प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 12,000, और 15 में 3 प्लस किए तो आएगा 18,000। लेकिन ध्यान से सुनिएगा आप बात को, ये कैश है और ये क्रेडिट है, इट मींस दैट कि हमारे पास कैश कितना आ रहा है प्रॉफिट प्लस होकर, तो 10,000 का प्रोडक्ट 2,000 में बिका, तो कैश ही में तो बेचा, तो कैश हमारे पास आ गया 12,000। तो तुरंत जाएंगे कैश साइड में और प्लस कर देंगे हम अपने 12,000 को। तो यहां पे प्लस साइन इंडिकेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, तो इट मींस दैट वो प्लस है। तो ये हो गया 12,000 यहां पे प्लस, और टर्न क्या हो रहा है, डेटर्स। अब देखिए डेटर्स कितना पे करेंगे, तो डेटर्स को हमने बेचा है 15,000 का, लेकिन 3,000 प्रॉफिट भी तो ऐड होगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 18,000। सो यहां पर हम डेटर्स में ऐड कर देंगे 18,000 इज इक्वल टू, अब याद करिए मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में हम लोग कुछ टर्म करते हैं कि जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस या लॉस अगर होता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और इनकम या प्रॉफिट होता है तो ये दोनों प्लस होते हैं। तो देखिए हमने गुड्स को सोल्ड किया है तो 3,000 का यहां भी प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट पर भी, और 2,000 पर भी हमको प्रॉफिट हो रहा है जब हमने कैश में बेचा, तो दोनों ही टर्म में हमें प्रॉफिट तो हो रहा है ना।
तो अगर हम पूछे चलिए बताइए टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, तो तुरंत आप कहेंगे सर 2000 कैश वाले से हो गया, 3000 क्रेडिट वाले से हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 5000। सो लायबिलिटीज में तो कुछ नहीं, लेकिन कैपिटल साइड में आएंगे और प्लस कर देंगे क्या हम 5000, और अगर लॉस हुआ होता तो माइनस कर देते, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दे रहे, जैसा कि हम वहां पे बताए थे लेक्चर वन में भी आपको बताया था। अब एक बार हम पहले इक्वेशन को चेक कर लेते हैं फिर हम टोटल करेंगे, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या होता है 12000 और 18000, ये दोनों अगर हमने प्लस किया तो 18 प्लस 2 हो जाएगा 20 और 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 30000 माइनस 25000 वैल्यू आया 5000, क्लियर इज इक्वल टू 0 प्लस 5000 वैल्यू आ गया 5000, मींस 5000 इज इक्वल टू 5000, इक्वेशन क्लियर। अब यहां पर हम जब फाइनल लाइन यहां पर अपनी क्लोज करेंगे तो यहां पर हम एक लाइन ऐड करते हैं इस तरह से, और अब क्या हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो जो हम वर्ड यूज करते हैं, अब इक्वेशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं फाइनल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या निकला, 80000 प्लस 12000 इज इक्वल टू 92000, फिर 50 माइनस 25 प्लस 25000 क्योंकि साइन हमारा 50 का बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद से 0 प्लस 18000 हो गया, फिर इज इक्वल टू 30 प्लस 0 30000 हो गया, लास्ट इज 1 लाख प्लस 5000 इज इक्वल टू 1,05,000 हो गया। अब क्या ये पूरा हमने सही किया है कि नहीं किया है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमारे इसी इक्वेशन से पता चलेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, एसेट्स इज इक्वल टू क्या आएगा 92000 प्लस 25000, जो जो एसेट्स में डाटा है प्लस 18000, ये सब हम प्लस कर लेंगे, ये आना चाहिए क्या इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जितनी चीजें लायबिलिटी में ये है 30000, फिर प्लस 1,05,000, अब इसको ऐड करके देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगा। तो ऐसे देखिए, अब ऐसे कैलकुलेशन हम फास्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा बिना, अब क्या होता है कई बार बच्चे भी ये जो वर्ड्स ऐसे लिखे हैं तो कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं फिर दोबारा 92000 फिर 25000 और 18000, और कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं किनारे से ऐसे 00 ऐसे से काटना शुरू करते हैं, ये बहुत गलत मेथड है। आप एक बार ऐसे लिखे और दोबारा ऐसे लिख के इसको सांप बना के आप काट रहे हैं, ये क्या है, ये क्या आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप उसको टर्म को ठीक से नहीं लिख रहे हैं, आप वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड लिखे तो एडिंग करने में आसानी होगा ना, तो ये तो बच्चों वाला मेथड हो गया, और आपको और फास्ट कैलकुलेशन करना है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए 92 में 8000 प्लस कर दिए तो क्या बन गया 1 लाख, और 1 लाख में इसका बैलेंस 10000 प्लस कर दिया तो क्या बन गया 1,10,000। अब 1,10,000 में 25 प्लस करेंगे तो 1,10,000 है ना, तो 10 और 25 कितना होता है 35, इट मींस दैट कि 1,35,000 ये वैल्यू हो गया। अब इसको देखते हैं 30,000 और 1,05,000, तुरंत देखते ही कहा 1,35,000, तो देखिए दोनों ही हमारे इक्वेशन सॉल्व हो गए, इक्वल आ गए। सो स्टूडेंट यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इक्वेशन इक्वल होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। विदाउट कैलकुलेटर यूज किए हम आपको यहां पर हर एक क्वेश्चन की टेक्निक सिखाएंगे कि किस तरह से हम एडिशन फास्ट करते हैं, अपने मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि वो आपको बहुत पहले से पता है, जोड़ घटाना गुणा भाग सबको आता है, लेकिन उसी को हम और फास्ट किस तरह से करें, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथ की यही कुछ चीजें आ गई हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस इतना ही है परसेंटेज, और कुछ नहीं आपको करना है। तो वो इजी मेथड में हम आपको सिखाएंगे कि परसेंटेज निकालना, तो आप देखते ही किसी नंबर को कह देंगे इस नंबर का परसेंटेज कितना होगा, ये मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी दोस्त आपके, ये जो क्वेश्चन है लॉकडाउन में हमारा चल रहा है, ये लॉकडाउन स्पेशल है, मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं, तो सभी का यहां पे अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, किसी का लॉस ना हो लॉकडाउन में। सो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स आप पढ़ाई करते रहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।